अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो गए। तो देखिए, मैं आज आपको सिफारिश पार्क की सैर करवाने के लिए लाई हूँ। ये देखें, ये इनके दरवाजे मेन है ये। तो ये देखें, अभी हम अंदर जाएंगे तो अंदर से फिर आपको दिखाते हैं। वहाँ पे परिंदे हैं, बहुत प्यारे प्यारे हर किस्म के परिंदे हैं, तो आपको हम दिखाते हैं वो भी। तो आप हमारे साथ ही रहिए, हमारी वीडियो देखते रहें एंड तक, तो आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी। ठीक, तो ये देखिए सफारी पार्क का एंट्री गेट, तो इसके अंदर हम जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। ठीक है, सफारी जू लाहौर है, और आइए मेरे साथ, मैं आपको खुले शेर दिखाती हूँ मैदान में, खौफनाक। तो आप देखेंगे, आपको भी उनसे खौफ आएगा। तो अभी हम चलते हैं शेरों की तरफ। तो ये देखें, ये गाड़ी है, ये इन्होंने जंगले से कितनी मजबूत गाड़ी बनाई है। ये हम शेरों की तरफ जा रहे हैं, और इतना बड़ा आगे जंगल है, वो खुले फिर रहे होते हैं। ये गाड़ी इसलिए इन्होंने इस कदर मजबूत बनाई है कि कोई शेर अगर अटैक करे भी तो इंसानी नुकसान नहीं हो सकता। तो अब हम इसके अंदर ही गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, तो हम इधर उधर देखते जा रहे हैं किधर शेर है। तो वो देखें, सामने आपको शेरों की एक गुफा नजर आएगी, इधर भी वो आते हैं और उधर दूसरी साइड पर भी काफी शेर होते हैं खुले हुए। वो जैसे ही हमारी गाड़ी देखेंगे तो वो भागकर आते हैं हमला करने के लिए। तो जो हमारी गाड़ी में आगे एक आदमी बैठा हुआ, उसने केयर करने के लिए एक रेफर पकड़ी हुई है। और ये देखें, अब यहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये इधर उधर इतने कांटेदार दरख्त हैं और बहुत ही खौफनाक अजीब जगह है। तो ये देखें, अब हम अंदर दाखिल होने वाले हैं। जैसे ही हम अंदर दाखिल होंगे तो आप लोगों को भी शेर नजर आएंगे और हम भी देखेंगे। तो पहले हम एक मरतबा इधर इसी जंगल में ही आए थे, तो तब हमने इतने ढेर सारे शेर देखे थे। तो आप देखते हैं वो कितने शेर हैं। तो इसलिए मैं आप दोबारा आई हूँ कि भी आप लोगों को भी मैं शेर दिखा सकूंगी कि वो कैसे खुले सरे आम शेर फिरते हैं। ये देखें, ये इतना बड़ा उन्होंने गेट लगाया हुआ केयर के लिए, और अब ये इन्होंने खोला है और अब हम अंदर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जंगल है, तो आप भी देखें और हम भी ढूंढते हैं शेरों को, कहाँ पर वो नजर आएंगे। हम भी ढूंढ रहे हैं, तो जैसे ही नजर शेर आएंगे हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। अभी हम उसी लाइन से जा रहे हैं जिधर शेर ज्यादा होते हैं, आगे पीछे भी गए हुए होते हैं शेर। तो ये देखें, ये नजर आ गया हमें शेर, ये दो शेर हैं, और एक देखिए बैठा इधर ही सामने देख रहा है, और एक लेटा हुआ है वो सो रहा है। और जो देख रहा है उसका हमें डर लग रहा है, कहीं ये भागकर आकर हमारी गाड़ी पे अटैक ना कर ले, तो हमें इस बात का डर लग रहा है। लेकिन हमारी गाड़ी भी इतनी कच्ची नहीं है कि इनके अटैक से भी कुछ नुकसान हो। इन्होंने बहुत मजबूती से इंतजाम किया हुआ है, गाड़ी बहुत मजबूत जाल से इन्होंने चारों साइडों से बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है, जिससे शेर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये जरूर है कि अगर शेर हमारी गाड़ी पे चढ़ भी जाता है तो हम उसको देख सकते हैं, यानी कि गाड़ी के दरमियान में खड़े होकर, ये नहीं कि भी जाल के साथ लगकर हम शेर को देखें। तो ये सिर्फ हमारे से 5 फुट दूरी पे है, और इनके पास ही ये देखें पानी की नदी जा रही है, जिससे ये पानी पी लेते हैं। और ये देखें, दरख्तों की घनी छाया है और सुकूनदार माहौल है इनका, और ठंडी ताजा हवा है जिससे आराम से सुकून से सो रहा है। और आपने देखा होगा अक्सर जो शेर होते हैं वो इन दिनों में उनका कूलर के अलावा पंखे हो, कूलर हो, एसी हो, उनके अलावा उनका गुजारा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इनको कोई परवाह नहीं, यहाँ पे बहुत फ्रेश और ताजा हवा है, हमें खुद इतनी गर्मी फील नहीं हो रही, और इसलिए इनको भी बहुत सुकून है। और अब ये देखें, ये जो शेर है इसकी नीयत में मुझे कुछ खोट नजर आ रहा है। एक तो सुकून से सोया हुआ है और दूसरे को बेचैनी लगी हुई, कभी उसके दिमाग में कीड़ा आ रहा है कि जाकर हमला करूं, या कभी वो बैठा हुआ है आराम से। तो हम अब आगे चलते हैं, आगे कुछ आगे भी देखते हैं, आगे और शेर हैं तो वो भी आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो ये देखें, अब ये तो हम दवा फातिमा भी ये देखे जा रही है, इसको आराम से घूरियां डाल डाल कर कि ये क्या सरेआम खुले बैठे हुए हैं, इनको कोई भी इन्होंने कैद नहीं किया हुआ, आजादी से रह रहे हैं बिल्कुल। ये लाहौर का जू जू सफारी है, और आपने दूसरे जो जू लाहौर में और भी हैं उनमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो शेर होते हैं उनको एक अलहदा कमरे में रखा होता है, जिसके इर्द गिर्द किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है।
ये सुपारी जू है जो शेरों को कुदरती माहौल दिया गया है। बहुत बड़ा जंगल है और इसमें शेर अपनी खुशी से रह रहे हैं। और आप लोग जब भी आए सुपारी जू के इस जंगल की आप सैर करें, आप भी इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर बहुत ही खुले, बहुत बड़े बड़े शेर इन्होंने रखे हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे एक वो कार्टून वाली तबाखी नहीं है जो शेर खान के साथ कार्टूनों में आती है, वो नहीं है। और आपने दूसरे जू में देखा होगा जो शेर होते हैं वो कैद होते हैं और देखने वाले आजाद होते हैं, और इस जू में जो देखने वाले वो कैद हैं और जो शेर हैं वो आजाद हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर याद से करना। और अगली वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत परिंदे दिखाऊंगी, आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।